Bye. See you tomorrow. इसे क्या हो गया? क्या हुआ बड़ी? घर घर क्यों कर रहे हो? इस ज्वेलरी शॉप के अंदर कुछ है क्या? अंदर कोई है, अभी पता करते हैं। चोरी करके भाग रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। लड्डू सिंह स्पीकिंग। क्या मेरे इलाके में चोरी? क्या कह रहे हो? यहाँ से 50-50 किलोमीटर। लड्डू सिंह जी, डायलॉग मत मारिए। डायलॉग मारने का समय नहीं है, जल्दी कीजिए। हम लोग चोर का पीछा कर रहे हैं, वो वैली की तरफ जा रहा है। ओके, मैं अभी आता हूँ। अब ठीक तो है?
मैं बच गया। लेकिन वो चोर तो बच के भाग गया सर। लड्डू सिंह के हाथ बहुत लंबे हैं। अरे यहाँ से बच के कहाँ जाएगा? यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक। जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं कि चोरी छोड़ने वाला लड्डू सिंह आ जाएगा और चोर चोरी छोड़ के शरीफ बन जाता है। सोचो लड्डू सिंह पहुँचा नहीं कि चोर शरीफ हो गया। अगर लड्डू सिंह पहुँच जाएगा तो क्या होगा? सर आपका नाम ही नहीं डायलॉग भी फेमस हो गया है। लड्डू सिंह जी टाइम वेस्ट मत करिए। वो चोर एक जोकर जैसा दिखता है, इसका मतलब है वो सर्कस से आया होगा। सर्कस तो हमारे शहर में भी आया हुआ है, प्लैनेट सर्कस। चोर उसी सर्कस का होगा। चलिए वहाँ चल के देखते हैं। यही नजर रखो, मैं जाकर जोकर के टेंट में चोरी का सामान ढूंढता हूँ। ओके शिवा। रेवा ने बताया कि तुम जोकर के टेंट की तलाशी लेने गए थे। देखो मैं तुम्हें कह देता हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे शिवा टेंट में कुछ मिला क्या? नहीं है? सबूत तो नहीं मिला। हो सकता है कि कहीं और छुपा दिया हो। नहीं, मैं बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। जोकर की ड्रेस में कोई और भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये जोकर ही हो। शिवा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सर्कस का जोकर चोर नहीं है, चोर कोई और है? जब मैं उसके टेंट में चेक करने गया तो वो शो दिखा रहा था, और जैसे ही मैं टेंट में गया देखा जोकर आकर ड्रेस चेंज करके जा रहा है। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। यस यस, अगर वो शो दिखा रहा था तो टेंट में कैसे आया? और अगर वो ड्रेस चेंज करके चला गया था तो बाद में वो जोकर की ड्रेस में कैसे आया? मुझे तो लगता है वो कोई एलियन चोर है। यूडी तुम्हें तो हर जगह एलियन ही दिखते हैं। मेरे ख्याल से वैली के पास चलकर जांच करते हैं, हो सकता है वही कोई सुराग मिल जाए। लड्डू सिंह जी को भी बुला लेते हैं। यस, सुराग ढूंढने में तो मैं माहिर हूँ। हुआ यू की एक बार सब चले गए। शिवा किधर हो? इधर हूँ सर, नीचे। अरे उधर कैसे पहुँचे? आपके बगल से एक शॉर्टकट पगडंडी है, वहीं से आ जाइए। चलो
ओके सर। गाड़ी चलाई है आपने? अरे मैंने नहीं, पेड़ा राम ने चलाई है। थैंक यू। क्यों चलाई है हा? ऐसी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। कुछ हो जाता तो। जाने दीजिए, चलिए इधर उस चोर ने लैंड किया था, तो चलिए देखते हैं यहाँ उसकी कोई चीज तो नहीं गिरी है। जिसका भी चश्मा टूटा है वो चश्मे की दुकान में अपना चश्मा बनवाने जरूर जाएगा। हम लोग हर चश्मे की दुकान में नजर रखते हैं, किसी ना किसी दुकान में वो जरूर आएगा। मैं हर चश्मे की दुकान में सिपाही तैनात कर दूंगा। हर दुकान नहीं, सिर्फ वेदास ऑप्टिकल्स पे नजर रखते हैं कि वेदास ऑप्टिकल्स ही ऐसी दुकान है जो एक दिन में चश्मा बना कर देती है। सर्कस वालों का कल आखिरी दिन है, उस चोर को हर हालत में आज ही चश्मा चाहिए होगा, वो वेदास ऑप्टिकल्स ही गया होगा। अंडर अरेस्ट। तुमको शायद पता नहीं है, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है, अरे अरे पूरा डायलॉग तो सुन लो। छत पे चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ये छत पे साइकिल चलाने का नया फैशन शुरू हुआ है क्या? शक था चोर जोकर नहीं कोई और है। तुम जोकर की ड्रेस में चोरी करते थे ताकि किसी को तुम पे शक ना हो और कोई पकड़ा जाए तो जोकर। बच्चे मेरा रास्ता छोड़ दे वरना बहुत महंगा पड़ेगा। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। ए, 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 ए,
हिलिए नहीं, चुपचाप खड़े रहिए। हिलिए नहीं? अच्छा सजेशन है, बदन की एक एक हड्डी हिल रही है और कहती है हिलिए नहीं। लड्डू सिंह जी यहाँ जल्दी। अरे मैं पुलिस हूँ, पुलिस पुलिस पे अटैक करना जुर्म है। अंकल हेलो, छुपने का कोई फायदा नहीं। अंकल बस भी करो, यहाँ से गिरे तो सब स्टंट खत्म हो जाएंगे। Yeah.
ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा हो ही नहीं सकता। ये बच्चे के गेटअप में है, इसकी ड्रेस उतारो, अंदर एक बड़ा आदमी निकलेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। शिवा, तुमने इस सूर्या को पकड़वा कर बहुत बड़ा काम किया है, वरना इसकी वजह से हम सर्कस वाले बदनाम होते। थैंक यू शिवा। थ्री चीयर्स फॉर शिवा। हिप हिप हुरे हुरे।